अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के घर में कोई भी सालन बच जाए तो इससे आप लोग चावलों में कैसे डालकर ज़बरदस्त तरीके से इसको बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल दे दिया, इसमें मैंने एक अदद प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। इसमें हम लोग ये चने की दाल बच गई थी तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप लोगों ने प्याज जब आप लोगों के सॉफ्ट हो जाए तब आप लोगों ने चने की दाल को ऐड कर देना है, ठीक है। चने की दाल को आप लोगों ने अच्छी तरह से इसमें डाल देना है और आप लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं डालना, कोई भी आप लोगों का खर्चा नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के ये चावल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी सालन बच जाए तो आप लोग ऐसे चावलों में डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैंने इसको भून लिए हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हसबे जायका नमक, ये 3 चीज़ें इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए और इसमें आप लोगों ने हसबे ज़रूरत पानी को ऐड करना है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, जितने चावल हों। अगर आपके पास तकरीबन 1 प्याली चावल है तो 1 ही प्याली आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया, पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। मैंने इसमें चावलों को डाल दिया है, चावलों को मैंने साफ़ धो लिया है और इसको 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, ठीक है। पानी को खुश्क होने तक वेट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी तकरीबन तमाम खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं वो मुकम्मल तैयार होने लग गए हैं। अब हम इसको रख देंगे दम पे, फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो चलें इसको रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट दम पे, कवर करके इसको 5 मिनट दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं दम आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये चावल देखे कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। ये देखे कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो घर में कोई भी साधन बचे है तो आप लोग ज़ाया ना किया करें, उसको किसी ना किसी काम में लगा दिया करें। जैसे कि मैंने आज चावल बना लिए तो आप लोग भी चावलों में उस साधन को डाल सकते हैं। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।